नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कटौती की, मगर इससे अब सियासी माहौल काफी गर्म हो रहा है। विपक्षी काफी उन पे हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, तब स्मृति ईरानी रोड पे गैस सिलेंडर लेके दौड़ती थी, मगर 1200 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ा के उसमें 200 रुपए कटौती करना एक ऐसा महिलाओं के लिए गिफ्ट है। काफी हमला विपक्षी उन पे कर रहा है। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पे तंज कसा। उन्होंने बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए लिखा है कि एक ऐसा गिफ्ट है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि बहनों की सफलता के लिए, बहनों के लिए ये नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये त्योहार 5 सालों में एक ही बार आता है? जब चुनाव होता है तब मोदी को उनकी बहनों याद आती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ बहनों इससे कि 2024 में फिर से अगर बीजेपी सत्ता आ गई, बीजेपी फिर से बीजेपी का परंतु प्रधान बन गया, तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ के 3000 के पार होगा? ये वादा सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला है, ऐसा ममता बनर्जी ने बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा। वही ममता बनर्जी ने बोला कि अगर हमारी सत्ता आ गई तो गैस सिलेंडर के दाम 500 हो गए, वही और भी कम हो सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से अगर बहनों माताओं को छुट्टी पाना है तो हमारी सरकार को वोट दे। वही अभिषेक बनर्जी ने भी यही रिपीट करके बोला कि ये हमारा वादा है और हम कभी वादा भूलते नहीं। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी और अन्य नेताओं बीजेपी पे गैस सिलेंडर के दाम पे ऐसा हमला बोलते हुए, ये जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए।